नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सर्कल में। और दोस्तों, आज के वीडियो में जो मुद्दा है वो आता है G20 का। G20 है क्या? G20 एक ऐसा संगठन है कि जो बड़े बड़े देशों के बीच में होने वाले समझौते हैं, इसमें जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास के लेकर संगठन करते हैं। इसके जो प्रमुख देश हैं वो आते हैं, इसमें जो प्रमुख देश हैं वो दो देश हैं आते हैं, एक तो भारत और एक चीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी देश में पाई जाती है जिसमें औद्योगिक विकास की सबसे ज़्यादा बैठक बनती है। सबसे पहले G20 का जो विकसित हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 1999 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में भारत के 7 प्रमुख देशों के संगठन G7 के नए संगठन बनाने की घोषणा के टाइम। आर्थिक उभरती आर्थिक ताकतों की बुराई विकसित स्थिति में बने चिंता के माहौल के बीच संगठित हुआ इस संगठन का नाम G20 रखा गया था। इस संगठन से बात साफ जाहिर है कि यह उन सदस्यों के लिए है जो बड़े देश होते हैं, जो प्रमुख देश होते हैं, जो इस संगठन में प्रमुख देश आने वाले हैं वो उसकी लिस्ट उनके नाम जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला आता है अर्जेंटीनिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ। यह देश विश्व के आर्थिक उत्पादनों के 85% और जनसंख्या का 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व बैंक और IMF भी इसके प्रमुख संगठन के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है कि दुनिया का प्रमुख वैश्विक संगठनों के साथ ही G20 देशों को जोड़ना, यानी कि यह केवल उन देशों को जोड़ते हैं जो सबसे बड़े आर्थिक समुदाय और सबसे ज़्यादा ताकत वाले देश होते हैं। G20 की पहली बैठक दिसंबर 1999 में ब्राजिंग में हुई थी। विकसित और विकासशील देशों के संगठन G20 का इस वर्ष जो सम्मेलन होने वाला है वो अपने नई दिल्ली कैपिटल में होने वाला है, कैपिटल ऑफ कंट्री में होने वाला है। हमारे यहाँ पर G20 के मौजूद अध्यक्ष जो होंगे वो भारतीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी होंगे, लेकिन इस बार जो उनके साथ मुद्दा छेड़ा जाएगा वो आपकी बार आर्थिक समुदाय को लेकर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आतंकियों के हमलावरों को रोकने वाला मुद्दा छेड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे देश में आजकल सब जगह आतंकी का समुदाय का मामला सामने उभर रहा है, तो इसी मुद्दे के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाली है। वर्ष 2001 में नवंबर में 20 नवंबर के टाइम पे जो 20 देशों के बीच में संगठन की बात हुई थी, उस टाइम कनाडा में ओटावा शहर में हुई थी। उस टाइम जो भारत के लिए मुद्दा हुआ था वो उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर हुआ था और आतंकवादियों को भी हुआ था, जिसमें भारत देश को कुछ समय दिया गया था कि उस चीज को लेकर, वो आतंकवादियों को लेकर समुदाय में अपनी जानकारियों का लेन देन करता रहे, लेकिन देश को अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं लेन देन करता रहे। तय हुआ था कि इसके लिए 20 देश आतंकवादियों के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। आपकी बार जो मुद्दा उठाया जाएगा आतंकियों का, उसमें सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो भारत देश में आतंकियों का क्या विचित्र मामला है। दोस्तों, ये थी G20 को लेकर बातें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।